हेलो गाइस, वेलकम टू सस्ता गैजेट रिव्यू। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे वॉरली कार वैक्यूम क्लीनर का। ये वाला वैक्यूम क्लीनर मैंने आज ही अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और ये ड्राई और वेट दोनों सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। सो ये रहा इसका वैक्यूम क्लीनर और ये इसके साथ की कुछ अटैचमेंट्स। और इसके साथ में हमें मिलता है एक मैनुअल। ये वैक्यूम क्लीनर आपके कार के मोबाइल चार्जर चार्जिंग सॉकेट में ही लग जाएगा। 12 वोल्ट इसका इनपुट है और ये इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स। इससे साफ भी किया जा सकता है। और ये रहा इसका वैक्यूम क्लीनर। इसके आप देख सकते हैं इसकी तार जो कि काफी लंबी है। इसकी वायर मोर देन इनफ है पूरी कार को साफ करने के लिए। आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। और ये इसका लॉक है इसके आगे का खोलने के लिए। इसे इसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। और इसमें एक पुल है, यहाँ से खींच कर हम इसे निकाल सकते हैं। इसे दोबारा फिट कर देते हैं। तो ये फिट हो गया है। और बाकी ये कुछ अटैचमेंट्स हैं जो इस पर लगाई जा सकती हैं, जैसे कि ये लगाकर इसे इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ऐसे इस वैक्यूम क्लीनर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, काफी स्ट्रांग लग रहा है। इवन दो ये कुछ अटैचमेंट्स जो हैं थोड़ी वीक लग रही हैं, बट स्टिल ठीक है। बाकी जो प्लास्टिक अटैचमेंट्स हैं उन सबकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। अब बाकी इसे कार में लगाकर ही ट्राई करते हैं। अब हम आ गए हैं कार में। इसे लगाना काफ़ी सिंपल है। जस्ट आपको इसको चार्जिंग सॉकेट के अंदर लगा देना है। ये लग गया है। अब इसे यूज़ करके देखते हैं। इसकी पावर तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी इससे कुछ साफ करके देखते हैं। इसे थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा काम कर रहा है। तो अब एक बार फुट मैट भी हम क्लीन करके देखते हैं। वो काफी गंदा लग रहा है। अब एक बार इस ब्रश वाले एक्सटेंशन से ट्राई कर देखते हैं कि ये कैसे साफ कर पाता है इसको। गाइस, जैसा आप देख सकते हैं ये काफी साफ कर दिया है इसने। काफी अच्छा काम किया इस वाले एक्सटेंशन के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसे अपने फोन के साथ ट्राई करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ तक कि फोन भी काफी अच्छे से पकड़ लिया था, तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। सो गाइज, अभी हमने इसे नॉर्मली तो टेस्ट कर लिया, अब इसे इस वाली एक्सटेंशन के साथ टेस्ट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कैसा रहता है। हम इसे इस वाली एक्सटेंशन के साथ ट्राई करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका काम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से सारा डस्ट सोक इन कर रहा है।